चिल्ला रहे बेटा। अरे बाप रे बाप, हंस दो हंस दो। मिट्ठू अभी तो आप हंस रहे थे। मिट्ठू हाँ मिट्ठू मिट्ठू अभी बोले अच्छे से। अरे हम दुश्मन नहीं है, दोस्त पार्टी है, दोस्त पार्टी। मिट्ठू हंस दो। अरे बाप रे बाप, अरे अल्लाह मिट्ठू पुत। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई हो खुश हैं, मज़े में हैं। और मिट्टू की चीख आप सबने सुन लिया, ये बहुत चीखता चिल्लाता है। अब खामोश रहना, नहीं फिर समझ लेना खाना नहीं मिलेगा पूरा दिन। जानू को देख करके इतना डरता है, अभी जानू से इसकी हवा निकल जाती, टाइट हो जाती है। और पीछे जिया बैठे हैं, आज जुमा है, आप सभी को जुमा बहुत मुबारक हो। और ये ब्लॉग कब मिलेगा? ये लेट ही मिलेगा आपको, क्योंकि इससे पहले भी और सारे वीडियो शूट करके रखे हुए हैं। और अरे यार खामोश हो जाओ, बात कर लेने दो मुझे भी, आपकी कोई लैंग्वेज समझ नहीं रहा है। इनको देख लीजिए, अपने में ही धुन में लगे हुए हैं। क्या बात है, हंस दो। इतना अच्छा ये हंसता है, इतना अच्छा ये हंसता है, कुछ कर नहीं। और गुस्से में पूरा मुंह फुला लिया है। कॉल आ गई थी, यार चुप हो जाओ, बात कर लेने दो, ब्लॉग स्टार्ट किया है क्या? दिन भर मेरे ब्लॉग में आप ही रहोगे क्या? इनकी तो लैंग्वेज भी आपको समझ में नहीं आएगी। एक मिनट, फिर से कॉल आ रही। कॉल आ गई थी, और वो जरूरी कॉल जो थी वो मेरी फ्रेंड की थी गोरखपुर से, तो उससे बातें होने लगी। तो तकरीबन हम लोगों ने आधे घंटे बात की, और बहुत अच्छा लगा। उसने मुझे पूरे जो है 2 साल कुछ महीने के बाद कॉल की थी, और हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। तो जो है कभी मौका रहा तो, या मुलाकात मेरी खुद की हुई तो आपसे मिलवाएंगे ज़रूर। हम लोग साथ में करामतें पढ़ते थे, तो उससे बहुत सारी बातें हुई, और आज मूड बहुत फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यही होता है कि जब आपके साथ जो फ्रेंड सर्कल होता है, पढ़ रहे होते हैं शादी के बाद, कोई इधर कोई उधर, तो अचानक से आपके पास कॉल आ जाए आपकी फ्रेंड की, तो बस जो है मूड अच्छा हो जाता है। तो चलिए काम शुरू कर दिए हैं, चाय नाश्ता हो गया है, और अब दिन के बज रहे हैं 12। मैंने जैसे बताया था कि मतलब 12 बजे नहीं है, 15 मिनट बाकी है। और जिया नहा चुके हैं नीचे, अब सिपारा पढ़ रहे हैं, और मेरे दोनों बच्चों का नहाना हो गया है। और बस अभी हम घर के काम निपटा लें, दाल चावल बना लें, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो चलिए अब आ गए हैं किचन में, और बनाना शुरू करते हैं चिकन के कबाब, शामी वाले, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो बनाते भी होंगे, और लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। और वैसे तो हम अपने चैनल पे इस रेसिपी को जो है शेयर कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ रोज़ कोई ना कोई नया जो है फैमिली में बढ़ता जाता है, तो ये रेसिपी उसके लिए है। आप ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है कीमा है तकरीबन 350 ग्राम, और ये दाल है 1/2 कप। तो दाल ज़्यादा हमने नहीं डाली है, वरना जो आपके कबाब हैं वो बहुत ही जो है हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, और आप दाल को पहले से भिगो दीजिएगा तो आपकी दाल जो है जल्दी गल जाएगी, क्योंकि हम भिगोना भूल गए थे। तो यहाँ पर दाल और कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया है, 2 से 3 सूखी मिर्चें डाल दी हैं, तेज़पत्ता डाल दिया है, हसबे ज़ायका नमक डाल दिया है। और यकीन मानिए इसको इसी तरह से बनाइएगा मेरे अंदाज़ में, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और कबाब का जो कलर है वो अच्छा है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया, 1/4 टीस्पून के करीब। और लाल मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा खुश्क धनिया जो पिसा हुआ होता है वो डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और यानी 1/4 टीस्पून के करीब। और ये है चाट मसाला, जो हमारे कबाब को जो है बहुत ही अच्छा सा हल्का सा स्पाइसी सा जो है जायका देता है। और ये है काली मिर्चें, और थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा,
जितने भी गरम मसाले आप यूज़ करते हैं, और छोटी इलायची ले लेंगे 4 से 5 अदद, उसके दाने निकाल लेंगे, लौंग ले लेंगे 4-5, और 2 जो है बड़ी इलायची के दाने ले लेंगे, थोड़ी सी जौत्री ले लेंगे, और ये देखिए थोड़ा सा सिनेमन स्टिक हमने डाल दिया है। तो यहाँ पर जो है ये मसाला है जो हमने जो है छोटा सा मेरा ये आप क्या बोलते हैं इमामदस्ता छोटा सा सबके यहाँ इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, आपके यहाँ क्या पुकारते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो पहले सबसे पहले छोटी इलायची और बड़ी इलायची के दाने हम बाहर निकाल लेंगे ताकि इसका जो छिलका है वो मुँह में ना आए। तो यहाँ पर मसालों को आप डायरेक्ट भी कूट करके डाल सकते हैं प्रेशर कुकर में, और मसालों को रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इमामदस्ते में अच्छे से इसको ज़्याने कूट दिया था, ये मेरे हाथ नहीं है तो ये मसाले कूट गए हैं और इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर पहले ही डाल दिया था, और अब जो है इसके अंदर हमने एक बड़ी सी प्याज भी कट करके डाल दी है। तो ये बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं, जब भी आपको समझ में ना आए आपके पास चिकन हो तो आप जो है इस तरह से चिकन के शामी कबाब लाजमी बनाइएगा। और 1 टीस्पून के करीब जो है हमने लहसुन लिया है, और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें अदरक का जो है पेस्ट अगर आपके पास है तो यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ तो मैंने कश कर लिया है तो अब डाल दिया है लहसुन अदरक भी, और ये सब इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा पानी आधा गिलास, और इसको हम ले लेंगे 4 सीटियाँ इसके अंदर, क्योंकि चने की दाल है थोड़ा सा वक्त लगता है चने की दाल को जो है गलने में, अगर आपकी दाल सूख है तो जल्दी से दाल गल जाती है। तो हमने इसको पका लिया था, गला लिया था, ठंडा करके पीस भी लिया था। तो जो दालचीनी थी तेज़पत्ता था वो उसकी लकड़ी जो मतलब वो हमने निकाल लिया था, और ये देखिए इसको ठंडा करके पीस लिया है, और हमने इसे सिल पे पीसा है। आप इसे आप मिक्सी में पीसना चाहें तो पीस सकते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया काट करके डाल दिया है। तो आप इसके अंदर प्याज भी फ्राई करके क्रश करके डाल सकते हैं, और ऐसे भी आप प्याज जो अंडे वाली कटती है महीन महीन आप वैसे भी काट के डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को पसंद नहीं है तो इसलिए हम प्याज नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप प्याज अगर फ्राई करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब जो है मैंने सारी चीज़ें इसमें मिला ली हैं, और अब इसके जो है गोल गोल कबाब के शेप ले लेंगे, और आप इसका गोला कबाब भी बना सकते हैं। शेप आप अपने मन चाहे मन जिस तरह से आपका भी वो बनाने का आप कबाब को वो शेप दे सकते हैं। तो इसके साथ जो है हम लोग गरम गरम पूड़ी खाएंगे, क्योंकि जो कबाब होते हैं वो पराठे या पूड़ी से ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है कबाब हम फ्राई कर लेंगे फटाफट से, और साथ में मरियम भी लगी हुई हैं, वो पूड़ियों के लिए जो है लोई बना रही हैं, और उनको बहुत शौक है कुकिंग का। तो अपने घर पर अक्सर जो है मरियम कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, और इन्हें तो सबसे ज़्यादा पसंद है खिचड़ी खाना। सोचिए किसी बच्चे को पसंद है, लेकिन मरियम अक्सर अपने यहाँ जो है चने की दाल की काबुली बनाया करती हैं, और उड़द की दाल की खिचड़ी, चने की दाल की खिचड़ी, और तहरी बिरयानी, मतलब चावल की शौकीन है। तो यहाँ पर जो है कबाब को देखिए हमने ऑयल में डाल दिया था फ्राई होने के लिए, और देखिए बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा, और कबाब तो देखा आपने ये कबाब कितनी जल्दी से झटपट से जो है तैयार हो गए, और ये इतने सॉफ्ट हैं। देखिए हम जब इसको नाइफ से पलट रहे हैं तो आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये कबाब फ्राई कर सकते हैं नाश्ते में, डिनर में, लंच में, जब भी आपका मन करे। तो ये चिकन के शामी कबाब बनाइए, गरम गरम पूड़ी तलिए, खुद भी खाइए और फैमिली को भी खिलाइए, और जिस जिसको खिलाने का मन हो उसको खिलाइए। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये हमारे कबाब और पूड़ी का फाइनल लुक। आई होप आप आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसे ट्राई करिएगा ज़रूर। मरियम बेचारी दुनिया के बोझ की और पढ़ाई की मारी, इसको क्या चाहिए, थोड़ी सी हम सबकी मोहब्बत, और क्या चाहिए मरियम, क्या चाहिए। आप सारे लोग दुआ करिए मरियम के लिए कि मरियम को जल्द से जल्द उर्दू आ जाए। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, क्या चीज़ पसंद है बताओ मरियम। हिस्ट्री
साइंस। तो क्या वैज्ञानिक बनोगी क्या, नासा जाओगी? कल्पना, कल्पना जी के, कल्पना जी आपकी आइडियल पर्सन है, नासा जाना है। किस चीज की साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ जल्दी से बता दो। मैं आप सबको अपनी एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए, अच्छी है ना ये? यहाँ से वहाँ की शिफ्ट कर दी, यहाँ ज़्यादा अच्छी लगी। कहाँ दिखती नहीं थी, आधे में परछाई रहती थी यार, इसीलिए। तो जुमा हो चुका है, मरियम मेरी आ चुकी हैं, उसके बाद मरियम जो है बिजी हो गई थी, उर्दू पढ़ रही थी। आजकल मरियम का पूरा फोकस उर्दू पर है। उर्दू है नाम मेरा है, पढ़ा ये शेर? अभी नहीं पढ़ा। अच्छा कौन सा शेर तुम्हें आता है बताओ, कोई एक शेर सुना दो। अच्छा था अच्छा शेर सुना तो दो। मरियम ने सुनाया शेर और हम आप सब सुन के हो जाएंगे बिल्कुल ढेर। सुनाओ मरियम शेर, अरे कुछ तो सुनाओ जो मैम ने पढ़ाया हो, सुनाओ एक ही लाइन सुना दो। वही जो अभी हमें बता रही थी वो वाला सुना। बताओ थे एक मुअम्मा, दूसरी लाइन भूल गए। बड़े मैडम यहाँ बैठी हुई है, इनको भी शेर पढ़ने का बहुत शौक है, बताओ। अरे बताओ ना, छुपाओ ना, इनको जुकाम हुआ इसलिए। अरे आपकी अंगूठी तो बहुत प्यारी है, उसका गोल्ड की है क्या? नहीं, बहुत अच्छी है। बताओ शेर सुनो। क्यों एक मुअम्मा है, एक मुअम्मा है, समझने और समझाने का, जिंदगी नाम है जीने, मर मर के जीने का नहीं, जिए जाने का। मर मर के जिए जाने का। आप सबको वीडियो में जो है तस्वीर टेढ़ी नजर आ रही होगी, लेकिन तस्वीर नहीं टेढ़ी है, हम टेढ़े हैं और मेरा कैमरा टेढ़ा है, नहीं तो आप सब कमेंट सेक्शन में कहने लगी है। अभी यहाँ बैठे तो नहीं आती, जो जैसे उर्दू किताब उठा एक सही। हाँ तो बस जल्दी सुना दो, जल्दी सुना दो, सुना दीजिए, अब आप सब ढेर होने के लिए तैयार हो जाइए। वाली याद है कुछ लाए ना थे कि खो गए हम। हाँ वाह वाह, कुछ लाए ना थे कि खो गए हम। वाह वाह, आगे इरशाद है, महक के पापा इरशाद नहीं। आने वाला इरशाद। अब वो किताब खोल रही है, बताइए बताओ, सुनाओ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। नहीं मिला? नहीं मिली। आ रही हो अभी? तो मरियम आपको सुनाएंगी शेर। हाँ हाँ बिल्कुल, इधर थोड़ा सा पास में आप आए। चलो सुनाओ, किसका है पहले शेर ये तो बताओ। अरे पापा बहुत परेशान कर रही हो, पहले तो अभी कह रही थी किताब में शेर नहीं है, वो पेज ही गायब हो गया, वो उड़ गए लफ्ज। चलो सुनाओ। सैयद ख्वाजा मीर दर्द की। अच्छा दर्द का शेर है, चलिए सुनाए। तो दर्द के शेर बहुत अच्छे हुआ करते हैं, सुने मरियम की आवाज। चलो फिर मुस्कुराते पढ़ो। कुछ लाए ना थे कि खो गए हम, कुछ लाए ना थे, थोड़ा पढ़ने में चाशनी लाओ, कि खो गए हम, थे आप ही एक सो गए हम। पहली बात तो पढ़ते वक्त ठुड्डी पे हाथ नहीं रखा जाता है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे होते हो उसकी आवाज फिर दूसरी तरह निकलती है। कुछ लाए ना थे कि खो गए हम, थे आप ही एक सो गए। आगे जो आईना जिस पे यह नजर थी, साथ अपने दो चार हो गए। माशाल्लाह, बस करो, तुम वही को पढ़ लिए हो और उसका मतलब क्या हुआ, मतलब भी तो बताओ। कुछ लाए ना थे, कुछ लाए ना थे, अल्लाह पाक के यहाँ, अल्लाह पाक के यहाँ से मरियम कुछ नहीं लाई थी, अपना नसीब लिखा के लाई थी कि नहीं, हाथ पांव लाई थी, आंखें लाई थी। गालिब का शेर सुना दो।
तो इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, तो तब तक की थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।